ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वो शुक्र प्रदोष व्रत या फिर भुगुवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। अब आप सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, परंतु उसका गोना अभी भी शेष था। एक दिन तीनों मित्र एक साथ बैठे हुए थे, तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों के डेरे के समान होता है। घर को घर बनाने में नारी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धनिक पुत्र ने जब यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को गोना कराकर अपने घर पर लाने का निश्चय किया। माता पिता ने धनिक पुत्र को खूब समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपने ससुराल में जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने तुरंत ही गोना कराने का विचार रखा। माता पिता और उनके भाई बंधुओं ने विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी ही पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की एक टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू उनके पास जितना भी धन धान्य था सब कुछ लूट कर ले गए। दोनों रोते पीटते और दुखी होते हुए अपने घर पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने बखूबी निरीक्षण किया और उसके बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र तीन दिन में मर जाएगा। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार ने यह समाचार सुना तो वह तुरंत ही वहाँ पर मिलने के लिए आया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी के सहित वापस इसके ससुराल भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए ही आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पर पहुंच जाएगा तो यह बच सकेगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों को वापस पुत्रवधू के घर भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी और उसकी पत्नी ने फिर प्रदोष व्रत रखे। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से घोर संकट भी टल गए। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। प्रत्येक दिन संध्या के समय वह वापस लौट आती थी। हमेशा की तरह ही एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है, किस कुल का है, राजा का है या फिर किसी ब्राह्मण का है। इतने में ही वहाँ पर कोई साधु महात्मा आए और साधु के कहे अनुसार ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर पर लेकर आई और ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मारकर उनका राज्य छीन लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया था। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के ही समान उसका पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से मंदिर में गई। वहां पर उसकी भेंट शांडिल्य ऋषि से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे
जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी, ऋषि ने ब्रह्माणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता और उनके राज्य के छिनने और उनके माता पिता की मृत्यु के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्रह्माणी बहुत उदास हुई। तब ऋषि ने ब्रह्माणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े हुए पूरी विधि विधान को उन दोनों बालकों को बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्रह्माणी और बालकों ने वह व्रत रखा, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि इस व्रत रखने का क्या फल है। कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखी जो कि बेहद ही सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय के पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह के लिए अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह बात पता चली कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव जी की आज्ञा से दोनों का विवाह खुशी खुशी संपन्न कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस से बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की। राजकुमार ने अपने खोए हुए राज्य को शत्रुओं पर आक्रमण करके फिर से पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी हासिल हुआ है, वह ब्रह्माणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे जीवन की हर परेशानी में लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से यह मान्यता हुई है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और उसे पढ़ेगा, उस व्यक्ति को 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।